the final part of the sherman at banaras begins poor kisa Gotami now went from house to house and the people pitied her and said here is mustard seed take it jo bechari kisa gautami thi ab घर घर जाकर के लोगों से दयापूर्वक उसने मस्टर्ड सीड्स मांगना शुरू किया लोगों ने दया दिखाते हुए उसे मस्टर्ड सीट दिया बट वेन शी आस्ड टेडस सन और डॉटर अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली लेकिन जब उसने पूछा कि क्या आपके घर आपका कोई बेटा या बेटी या माता या पिता आपके परिवार का कोई सदस्य उसकी डेथ हुई है दे आंसर्ड अलास द लिविंग ऑफ यू बट द डेड आर मैनी तो उन्होंने जवाब दिया हाय बहुत कम लोग बचे हैं बहुत ज़्यादा लोग मर चुके हैं डो नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ हमारे इस गहरे दुख को हमें याद मत दिलाओ एंड देयर वॉज़ नो हाउस बट बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ उनके प्यार करने वाले या प्यारे लोग उनकी मृत्यु नहीं हुई थी किसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज द फ्लिकडअ अप एंड व एक्सटिंग्विस्ड अगेन किसा गौतमी अब काफ़ी थकी हुई सी और उम्मीद खो चुकी थी अब वो एक सड़क के किनारे बैठ कर के शहर की लाइट्स को देख रही थी और वो लाइट्स फ्लिकर्ड अप हो रहे थे यानी टिमटिमा रहे थे और फिर बाद में बुझ रहे थे एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर और अंततः अंधेरे ने सभी ओर कब्जा कर लिया एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइफ्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग अगेन और तब उन्होंने जाना कि इंसान का भाग्य क्या होता है उनका जीवन टिमटिमाता है और बुझ जाता है एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ डेथ इज कॉमन टू ऑल और तब उन्होंने अपने आप से सोचा कि मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी जब मैं दुखी थी मृत्यु तो सभी के लिए है

हैबिन बॉन्ड कैन अवॉयड टाइम कोई भी तरीका नहीं है जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है वो मरने को या मरने से बच सकता है आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ यानी बूढ़ा होने पर यानि बूढ़े होने पर मरना तय है ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स यही प्रकृति का नियम है एज राइ फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलोइंग सो मॉटल्स बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ जैसे एक पके फल का गिरना हमेशा तय होता है उसी तरीके से एक व्यक्ति जो मरणशील है जो पृथ्वी पर पैदा होता है उसका भी मरना तय है एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय एंड इन बींग ब्रोकन सो इज़ द लाइफ ऑफ़ मॉटल्स जैसे एक कुम्हार के द्वारा बनाया गया जो मिट्टी का बर्तन होता है उसका टूटना निश्चित होता है ठीक उसी तरीके से मरणशील लोगों का जीवन बोथ यंग एंड एडल्ट बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज ऑल फॉल इन टू तो द पावर ऑफ डेथ ऑल आर, आर सब्जेक्ट टू तो डेथ ठीक उसी तरीके से दोनों चाहे जवान हो या वयस्क हो, उन दोनों का ही चाहे वो मूर्ख हो या बहुत बुद्धिमान हो, उनको मृत्यु के अधीन होना पड़ता है उन सभी को मरना होता है ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस वो लोग जो मृत्यु से पराजित होकर जीवन से विदा हो जाते हैं एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता ना ही नाते रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली वन बाय वन मॉटल्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर ध्यान दें कि जब रिलेटिव्स इधर उधर देख रहे होते हैं और दुख और संताप कर रहे होते हैं तब एक एक करके उन्हें वन बाय वन ले जाया जा रहा होता है जैसे कि एक बैल को वध करने के लिए ले जाया जा रहा हो सो द वर्ल्ड इज़ एफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डे देर फोर द वाइज टू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड इसलिए पूरा का पूरा विश्व मृत्यु और छः से ग्रसित है इसलिए बुद्धिमान लोगों को जीवन के या विश्व के शर्तों को या नियमों को जानने के बाद दुख नहीं मनाना चाहिए नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑप्टेन पीस ऑफ माइंड ऑन द कॉन्ट्ररी पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र ना तो रोने से और ना शोक करने से किसी को शांति मिलेगी या चैन मिलेगा ऑन द कॉन्ट्रारी इसका अर्थ है इसके विपरीत पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर उसकी पीड़ा अधिक होगी और उसके शरीर को कष्ट होगा ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल वह अपने आप को बीमार और पीला कर देगा ट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन और इसके बावजूद भी उसके विलाप से मरे हुए लोग नहीं बचेंगे ही हु ऑफ लेमेंटेशन एंड complaint एंड ग्रीफ जो शांति चाहता है उसे विलाप शिकायत और शोक का तीर निकालना चाहिए ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज बिकम कॉम्पोस्ट विल ऑपटेन पीस ऑफ माइंड वह जिसने ऐसा तीर निकाला है और शांतचित्त है उसे मन की शांति मिलेगी He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। जिसने सभी दुखों को जीत लिया है वह दुख से मुक्त हो जाएगा और धन्य हो जाएगा दैट्स द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट थैंक यू